बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये आप भाइयों का शुक्रिया। वक्त का वक्त ऐसा है कि ये काम मसरूफ़त है सारे तशरीफ़ लाए। जिस भाइयों बड़ी मुख्तसर सी बात है, खिदमत की सियासत नारा तो सारे लगाते हैं, जितने भी आएंगे वो यही कहेंगे कि जी हम खिदमत करने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं जी? खिदमत करने के लिए आते हैं। उनसे पूछे खिदमत क्या की है, वो कहते हैं जी खिदमत ये की है कि हमने सड़कें पक्की करवा दी हैं, नालियाँ पक्की करवा दी हैं, हमने यानी आपके जो है ना वो खंभे लगवा दिए बिजली। मेरा इस वाले से एक और जहन, ये खिदमत नहीं है, ये हमें खिदमत कह कह के ये खिदमत कहा जाता है, ये जिम्मेदारी है। अगर एक MLA MP ने ये काम भी नहीं करना तो फिर तो यकीन करें उसे पकड़ के जूते मारने चाहिए कि तूने ये को, इसका मतलब है सारा बजट वो खा गया, वो सारा बजट खा गया। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। खिदमत और अंदाज की है, खिदमत का लेवल और होता है, वो चीज़ें और होती हैं। और वो हमें ये समझा के कि जी मैंने हुकूमत का वजह अब हमें नहीं पता, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इदारा है, यानी पूरे दुनिया में इसका एक नाम है, 150 मुल्क इसको मानते हैं। इसने पाकिस्तान पे ना एक तहकीकती रिपोर्ट 2022 में शाई की, लंबी बात है बस मुख्तसर करता हूँ। उसने कहा कि पाकिस्तान, उसने विंग एंड करप्शन पे काम करता है, रिसर्च करता है, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर सबसे करप्ट इदारा जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन है वो है पुलिस। दूसरा करप्ट इदारा उसने कहा पाकिस्तान में ये जो हकूमती टेंडर लेने वाले इदारे हैं, ठेके देने वाले, जिसका बराह रास्त ताल्लुक MLA MPA चेयरमैनों से, हमारे इस सिस्टम से है। मेरा मोहतरम भाइयों, ये करप्ट तरीन इदारा दूसरा पाकिस्तान। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बात घर के नहीं बात कर रहा, बल्कि ये आलमी इदारों की पाकिस्तान पर रिसर्च है। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये हमारे ये रिसर्च पूरी दुनिया में छाई हुई। तो तीसरा उन्होंने कहा कि करप्ट इदारा अदलिया है, तीसरा करप्ट इदारा एजुकेशन है, ये उन्होंने ग्रेडिंग की। और हर इन चारों चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व कौन है? सियासतदान। पीछे हमें पता है, यानी सारे का सारा पीछे बैकएंड पे सियासतदान असल में बकाऊ होता है, वो असल में एक ऐसे किरदार का हामिल होता है कि जिसने सारे ही इदारे करप्ट कर दिए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, गुजारिश इसमें ये है कि खिदमत की सियासत और होती है। खिदमत की सियासत क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ एक झलक, सिर्फ दो चार मिनट के अंदर। खिदमत की सियासत ये है, महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई है, आपको भी पता है, सिर्फ पता नहीं है बल्कि भुगत रहे हैं। तेल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, कितनी बिजली महंगी हो गई है, आपका तो बड़ा हरास ताल्लुक है इन चीज़ों से, बिजली महंगी हो गई, और इसके अलावा हर चीज़ खाने पीने की महंगी हो गई। आप मार्केट में जाएं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि क्या बनेगा। ये जो बजट के अंदर जनाब 35% तनख्वाहों में इजाफा, हकूमती मुलाजमीन की तनख्वाहों में 90% लोग हैं हकूमती मुलाजमीन, बाकी तो भाई सारे लोग अपनी रोजी रोटी दिहाड़ी करते हैं, कमाते हैं, रिस्क हलाल के लिए खपते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, उनकी कमाइयाँ वहीं की वहीं, उनकी कोई तनख्वाही नहीं बढ़ी करने से, उनका कुछ नहीं बढ़ा, उनका वहीं के वहीं, और खर्चे उनके 5 गुना 10 गुना तक बढ़ गए पिछले चंद सालों के अंदर। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये कैफियत से आप गुजर रहे हैं, खिदमत क्या है? आज हम ये आपके इलाके में जी उधर G12 के अंदर, मेहराबादी के अंदर एक दूसरे तंदूर का इफ्तिताह कर रहे थे हम ना, तंदूर कुछ 5-6 माह से लगा रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा कि भाई रिलीफ देना चाहिए। रिलीफ किया है कि 20 रुपए की रोटी मिल रही है, 25 रुपए की, इस्लामाबाद में कुछ जगह पे 30 रुपए की रोटी मिल रही है, तो हम 10 रुपए की देंगे। ये हमने सिलसिला शुरू किया, तो 50-55 तंदूर अब्दुल्ला हमने लगाए, एक हफ्ता आज हमने दिन 2 बजे किया। तो मैंने वहाँ भी लोगों से कहा कि भाई रिलीफ ये है, खिदमत ये है कि आपका खर्चा 20 रुपए, हम इस बात की प्लानिंग करें कि हम ये 19 रुपए कैसे कर सकते हैं, हम ये 18 रुपए कैसे कर सकते हैं, हम ये 15 रुपए 5 रुपए का रिलीफ, मेरे बस में नहीं है, मैं मुफ्त दे दूँ रोटी आपको, बस में नहीं है चीज़, लेकिन ये बस में है। जिस तरह हमने सब्जी स्टॉल लगाने शुरू किए ना इस हल्के में, 50-60 जगह में माशाल्लाह आसिफ भाई इसकी वो कर रहे हैं निगरानी सारे स्टॉल्स की,
मैं हैरान रहा कि आइटन वन के अंदर मुझे ये लेके गए, वहाँ पे इन्होंने अपना वो स्टॉल लगाया हुआ था सुजुकी पिकअप के ऊपर। यकीन माने मैंने कितनी चीज़ें देखी आधे से कम रेट पे, एक है आधा रेट होना मार्केट से बहुत बड़ी बात है, ये आप भी समझते हैं। लेकिन जो चीज़ 80 रुपए की थी वो ये चीज़ 30 रुपए की दे रहे हैं। वल्ला मैं हैरान रह गया वहाँ पे ये सूरत हाल देख के। और हमने क्या ये पल्ले से डाले हैं पैसे? नहीं, हमने उसकी तरतीब लगाई, क्योंकि जहन क्या है भाइयों की खिदमत करनी है, लोगों के लिए कोई रिलीफ देना है हमने, कोई रिलीफ दे दें। हमने प्लानिंग की, प्लानिंग क्या थी, मंडी में जाके जो सब्जी मंडी की आड़ थी उनसे मिले, बाकी लोगों से मिले, मिलके बात की कि भाई आपके कितने ट्रक रोजाना उतरते हैं, आप उसमें से हमें कितने मन ये चीज़ दे दें और आपने सिर्फ अपना मुनाफा छोड़ दें, आपसे हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ मुनाफा छोड़ें, आपका हमारा ताल्लुक है, दोस्ती की बुनियाद है, एक कलमे का ताल्लुक है, हमने जाके आगे लोगों को ये रिलीफ देना है, तो भाई आप इस पर तावन करें। लोगों ने तावन किया, माशाल्लाह लोग खुश हो गए, लोग इतने खुश हुए, लोगों ने फिर कहा हमें दिखाएं तस्वीरें, बताएं कहाँ कहाँ। लोगों ने जब ये देखा तो पूछा माशाल्लाह आसिम भाई से, पहले ये 10 जगहों पे दे रहे थे, फिर 20 जगहों पे, फिर 30 जगहों पे, माशाल्लाह 50 जगहों पे शुरू कर दिए हैं, तो अभी ये बढ़ाते जा रहे हैं मुसलसल। तो ये अल्लाह के फजल करम से एक ये है भाई मुश्किल हालात के अंदर खिदमत की सोच। मैं ये मनसूबे एक एक करके गिनवाना शुरू करूँगा, शायद ये बात लंबी हो जाए, बस मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ भाइयों, ये सोच के साथ काम होता है, एक सोच के साथ। कुछ खिदमत के काम ऐसे होते हैं जो इख्तियार मिलने से पहले होते हैं, हमारे पास कोई हुकूमती इख्तियार नहीं है, कोई हुकूमती बजट भी नहीं है, हुकूमती बजट आ जाए और वो लगा दें ये तो जिम्मेदारी है। अगर उसमें हमारे पता क्या समझते हैं कि हुकूमती बजट आ जाए, आधा खा पी लो, आधा लगा दो, करप्शनें कर लो, कमीशन रख लो, सारा करके कहते हैं हमने अवाम की खिदमत, वो ये कहते हैं करने वाले इस तरह करते हैं। तो भाई हम कहते हैं वो अमानतदारी से लगा दो, ये अपने जिम्मेदारी पूरी की है, मुल्क और कौम पे कोई एहसान नहीं किया आपने, कोई एहसान नहीं है, ये अपने जिम्मेदारी पूरी की है। भाई खिदमत करनी है तो आओ हमसे सीखो, हम बताते हैं खिदमत क्या होती है। आओ ज़रा ये पिछले साल सैलाब आया, देखो खिदमत किस तरह हुई। अगर मैं वो तफसील बताऊँ आपको, हो सकता है भाइयों ने बताई हो, पिछले साल अफगानिस्तान में जलजला आया था, बहुत कम उसकी खबर चली, लेकिन शदीद जलजला था। अफगानिस्तान का सफीर खुद मेरे पास आया कि जी तावुन कीजिए, हमने कंपेन चलाई, हम सिर्फ इलेक्शन की कंपेन नहीं चलाते, हम इन चीज़ों की भी कंपेन चलाते हैं, ठीक है। तो मुसलमान भाई परेशान है, इंसान मुश्किल में है, इंसानियत का दीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम किया, ये सहरी रमज़ानुल बारिक में भाइयों ने बताया होगा, तो माशाल्लाह ये काम बड़ी ईद के मौके पर, बड़ी सख्त ईद थी ये वाली, ये जो बड़ी ईद थी लोगों के लिए बहुत मुश्किल ईद थी, इतनी मुश्किल थी कि 35% लोग कुर्बानी ही नहीं कर सके, इस्तात नहीं थी, महंगाई थी, जानवर महंगा था, हालात ऐसे थे। इस सूरत हाल के अंदर आपके भाइयों ने फैसला किया कि हमने 50,000 सफ़ेद पोश बंदर तलाश करना है, तलाश करना है। सफ़ेद पोश बंदर रोड पर नहीं होता, मांगता नज़र नहीं आएगा आपको, उसको तलाश करना पड़ता है। सिर्फ तलाश नहीं करना पड़ता बल्कि उसको कायल करना पड़ता है कि भाई आपके घर कुर्बानी नहीं है, आपको इंशाल्लाह हम गोश्त देने आएंगे, उसको यानी कायल करना पड़ता है। वो अपने पर्दा डालने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी नहीं हमें जरूरत नहीं है, अपना 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 कई तरह की, लेकिन हमें पता है सफेद पोश बंदे की जान निकल जाती है जब उसे यह पता चलता है ना कि मेरी पर्दादारी उठ गई है, मेरी सफेद पोशी का भरम ये ख़त्म हो रहा है, माशरे को पता चल रहा है कि मेरे पास आया कुछ नहीं, उसकी जान निकल जाती है वहाँ। तो पहले 50,000 बंदे को तलाश किया, फिर उनके लिए ईद के दिन 50,000 पैकेट तैयार करके उसके घर में डिलीवर किया, और ईद के दूसरे दिन अल्लाह पाक ने तौफीक अता की, 1,00,000 बंदे की दावत पकाई जी लावन के अंदर। बड़ा मुश्किल काम था ये, मुश्किल अल्लाह ताला ने शायद हमारे इम्तिहान के लिए हमारे ऊपर डाली, बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह करने का इरादा कर लिया ये उतना आसान हो गया, उतना ही आसान हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1,00,000 बंदे की दावत का इरादा किया, कहीं ज़्यादा इससे लोग मुस्तफीद हो गए। हमने तय किया था कि मगरिब तक ख़त्म कर देंगे, रात 10-11 बजे तक माशाल्लाह पतीले पकते रहे, लोग लेते रहे, सिलसिले चलते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत की सोच है भाई, हम भी आराम से घरों में बैठ के ईद कर सकते थे, हमें क्या मुसीबत थी इसमें भाई, क्या किसी ने हमें देना, और हमें चाहिए भी किसी से कुछ नहीं, हमें क्या चाहिए किसी से, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए भाई,
हम ये खिदमत करते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ना प्यारे नबी का ये उस्वा बयान किया, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, कि हम अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं और हम कोई तलब नहीं करते किसी से कि कोई हमें शुक्रिया अदा करे और हम कोई हमें इसकी जजा दे। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, हमें कोई तलब नहीं है कि कोई आके हमें इतना भी कह दे कि जी बड़ा शुक्रिया, ये भी तलब नहीं है। और इंशाल्लाह इस बुनियाद पे काम कर रहे हैं। तो मेरे मोहतरम भाई लीडर गिनवाइए, मैं भी यहीं पे इस्लामाबाद का हूँ, सारे लीडरों को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं माशाल्लाह इस माशरे के लोग हैं, किसी एक का नाम गिनवाइए कि जो खिदमत का ये अंदाज इख्तियार करता हो, जिसने जनाब रमज़ान में 1,00,000 बंदे को रोज़ाना, ये जो अल्लाह ताला इनको यानी हिदायत दे, ये जो सियासी लोग हैं ना, ये इन खिदमत के कामों को किसी तरफ लगने नहीं देते, ये हर चीज़ को ज़ीरो करते हैं, कोई मजबूत कानून साजी नहीं है। अच्छा, किस तरह ये लगने देते, एक मिसाल देता हूँ, हो सकता है आपकी ये बात थोड़ी मुश्किल हो, समझ नहीं, हम कहते हैं यार हम एक बंदे को 5 रुपए का रिलीफ दे रहे हैं, 1,00,000 बंदे को हमने रिलीफ दे दिया 5 रुपए का, और महीने के बाद वो कितना बन गया। तो मेरे मोहतरम भाई, ये एक बंदे का रिलीफ हमने ये तय कर लिया, 10 रुपए रिलीफ तय कर लिया, ये आते हैं ये आके 100 रुपए का डंडा मारते हैं ऊपर, 100 रुपए महंगाई, हमारा 5 रुपए का रिलीफ क्या करेगा वहां पे, हमारा 10-20 का रिलीफ वहां पे क्या करेगा भाई, ये है मुसीबत। यहाँ पे कोई रोकने वाला है इनको, कोई डका लगाने वाला है इनको, कोई भी नहीं। तो भाई ये एतमाद करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक अता करे, मजबूत और ताकतवर कंपेन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में लॉन्च है, 42 UCs हैं और 42 UCs के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त अंदाज में काम शुरू है, काम चल रहा है, लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है ना कि भाई आप मैदान में आ गए हैं, तो माशाल्लाह बुला बुला के बड़े बड़ी बरादरियाँ, बड़े बड़े माशाल्लाह ये इज्तिमा और अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉर्नर मीटिंग्स, ये छोटी हो या बड़ी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह लोगों के लिए एक बड़ा एक शानदार ये फैसला है। तो आप भाई भी इसमें फैसला कीजिए, मुतफिका फैसला कीजिए, ताकि हम ना जी एतमाद के साथ और मजबूत तरीके से आगे बढ़ें और फिर इंशाल्लाह वो मेहनत करके दिखा दें और वो कामयाबी, मैं आपको बताऊं यकीन मानिए अल्लाह के फजल व करम से अभी तक 42 यूसियों के अंदर हमें ऐसा यानी बंदा नजर नहीं आया जो मुकाबले में खड़ा ही हो, इस वक्त कोई खड़ा ही हो। तो लोग पता क्या इंतजार में बैठे होते हैं, ओ जी कोई माहौल बने इलेक्शन का, टॉक शो शुरू हो, कोई ऊपर से हवाई मदद आए, कोई और जनाब फैसले हो, वो ऊपर के फैसलों के इंतजार में। ओ भाई इन साथियों के साथ किसने बैठना है, इन भाइयों के पास किसने आना है, आएंगे लोग 2-4 दिनों के लिए, चंद जो है ना वो मखसूस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये भाई सालों से आपके साथ हैं, हमारे ये नुमाइंदे साथी ये माशाल्लाह ये साथ पहले भी हैं, ये रहेंगे भी इंशाल्लाह ताला। तो बस यही गुजारिश लेके हाजिर हुए थे जी, बहुत शुक्रिया भाई उनका।